नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं एसकेएन जॉबनेर के अंडर अभी नया एडमिशन हुआ है जिनका फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में, उन सभी के लिए अपन चर्चा करने वाले हैं कि क्या सिलेबस है, इसके साथ में ही मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है ये किन किन स्टूडेंट्स को पढ़ना अनिवार्य है, और इसके साथ ही संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। इसके साथ ही कोई अदर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहा है और वह भी चाहता है कि मेरी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर एक वीडियो बने, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको इसी वीडियो के कमेंट में आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या करना है कमेंट करना है, इसके बाद में आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस का भी क्या आ जाएगा वीडियो आ जाएगा। तो साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं ओनली फर्स्ट सेमेस्टर और एसकेएन यूनिवर्सिटी, इसके साथ ही इसके अंडर आने वाले जितने भी कॉलेजेज है उन सभी के सिलेबस की अपन क्या करने वाले हैं चर्चा करने वाले। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि साथियों, जो आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है क्या सभी इसके अंडर आने वाले कॉलेजेज में वही सिलेबस होते क्या? बिल्कुल वही सिलेबस होता है। एसकेएन यूनिवर्सिटी आपका क्या करवाती है, एग्जाम कंडक्ट करवाती है। एग्जाम डेट वगैरह की भी इसके साथ में अपन चर्चा कर लेंगे। टोटल सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो कितनी सब्जेक्ट होती है साथियों, लगभग 10 सब्जेक्ट है। कितनी है? 10 सब्जेक्ट है, सही। इसके साथ में कॉर्ड टाइटल वगैरह सबकी अपन क्या करने वाले चर्चा करने वाले। इसके साथ में अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज और बीएससी एग्रीकल्चर का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, इसके साथ ही एग्रीकल्चर की सभी एग्जाम्स के लिए जो स्टडी मटेरियल है वो आपको इसी चैनल पर अवेलेबल होता है। तो सबसे पहली सब्जेक्ट की बात करें HORT 111, इसके बारे में चर्चा करें तो जो अपन वन की बात करें तो वन क्या है साथियों, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, और हॉर्टिकल्चर का इसमें क्या है पहला कोर्स है, तो ये क्या आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। टू इसके क्या है क्रेडिट है। अगर इनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो एक लाइव वीडियो आई है उसको विजिट कर लेना। इसके बाद में अपन चलते हैं साथियों इसके सिलेबस की ओर चर्चा करते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन एंड ब्रांचेज एंड इसका इंपॉर्टेंस और क्या आ जाएगा स्कोप आ जाएगा। इसके बाद में हॉर्टिकल्चरल एंड बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, इसके साथ में ही अपन नेक्स्ट बात करेंगे क्लाइमेट एंड सॉइल फॉर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, नर्सरी रेजिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अभी अपन इस वीडियो में ओनली इंग्लिश में बात करेंगे, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मेरे को हिंदी मीडियम में भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद में प्लांट प्रोपेगेशन मेथड्स, मतलब प्लांट के जो प्रोपेगेशन या प्रवर्धन के जो तरीके हैं ना उनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद में प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर्स, सीड डॉर्मेंसी एंड सीड जर्मिनेशन आ जाएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्चार्ड मैनेजमेंट आ जाएगा, इसके साथ में प्रिंसिपल्स और मेथड ऑफ ट्रेनिंग फंडिंग आ जाएगा। इसके साथ में ही जो अपने बायोलॉजी का टॉपिक होता है ये मेनली अपन बात करें तो बायोलॉजी का टॉपिक पॉलिनेशन वगैरह, पॉलिनाइजर्स वगैरह, पार्थेनोकार्पी वगैरह, ये टॉपिक पढ़ना है। इसके साथ में मेडिसिनल और जो एरोमेटिक प्लांट्स है उनके बारे में, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट बायोरेगुलेटर्स, मतलब जो PGR होते हैं ना उनका क्या पढ़ना है अपने को, उनका इंपॉर्टेंस पढ़ना है। इसके साथ ही इरिगेशन के मेथड, तो ये अपनी कौन सी सब्जेक्ट है, ये अपनी हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट है। कौन सी है? हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट आती है बायोकेमिस्ट्री, बायोकेम 111, इसका क्या है अपने कोड है। इसके साथ में फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, 3 क्रेडिट की है, बहुत ही शानदार बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट है। इसमें अपने शुरू के टॉपिकों की बात करें तो किससे रिलेटेड है, शुरू के टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें प्रोटीन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, लिपिड वगैरह, इनके बारे में अपने को पढ़ना है, विटामिन वगैरह, सही, एंजाइम वगैरह के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट अपने आते हैं जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के हैं, इसके इंपॉर्टेंस वगैरह, स्कोप वगैरह, एम्ब्रियो रेस्क्यू, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, इनके बारे में पढ़ना है कि सर ये इजी तो है ना, कोई हार्ड तो नहीं है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, बस कॉन्सेप्ट के साथ में अपने को क्या करनी है क्लियर करनी है। बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ये सभी को पढ़नी है, ऐसे नहीं कि सर मेरे 12th में एग्रीकल्चर थी, मेरे बायोलॉजी थी, मेरे ये सब्जेक्ट थी, सभी को पढ़नी है वो। इसके बाद में नेक्स्ट है SSAC
111 मतलब फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस, 3 क्रेडिट है, कितनी है 3 क्रेडिट है। इसमें अगर शुरू के 60 टॉपिकों की बात करें, शुरू के 6 टॉपिकों की बात करें, तो ये किसके आ जाते हैं साथियों, ये आ जाते हैं अपने जो कृषि रसायन 12वीं का जो फर्स्ट चैप्टर है उससे, फिर इसके बाद में सॉइल की जो फिजिकल कंडीशन है उसके बारे में है, और इसके साथ ही बात करें तो 11वीं और 12वीं की जो सॉइल साइंस की बुक है ना उसी के चैप्टर है ज्यादातर। इसके बाद में अपन चलते हैं साथियों आगे की ओर, आगे अपन बात करेंगे कि आगे कौन सी सब्जेक्ट है। आगे आपके हैं इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री। अब ये सब्जेक्ट तो क्या है, नहीं है आपके लिए, और ऐसे नहीं है कि हार्ड है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। इसके साथ ही बात करें HORT 112, सर यहाँ पर 2 क्यों आया, क्योंकि हॉर्टिकल्चर का एक कोर्स ऊपर आ चुका। इसके साथ में 2 क्रेडिट की ये सब्जेक्ट है। आगे की ओर बात करें तो टोटल इसमें 10 टॉपिक है जिसमें अपने को फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ना है, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है, फॉरेस्ट मेंसुरेशन के बारे में पढ़ना है, एग्रो फॉरेस्ट्री वगैरह के बारे में पढ़ना है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट आती है, मतलब वन लगाने से रिलेटेड सब्जेक्ट है ये। फिर आती है इंग्लिश सब्जेक्ट की, सर सभी को पढ़नी है क्या, बिल्कुल सभी को पढ़नी है, 2 क्रेडिट की सब्जेक्ट है। और इसमें बात करें ना कि सर ये टॉपिक तो हमारे को समझ में ही नहीं आएंगे, ये टॉपिक तो हमारे को समझ में ही नहीं आएंगे, यहाँ पर ओनली आपको पैसेज देगा और कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके साथ में ही नीचे वाले टॉपिकों से ग्रामर से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, और जो बार बार क्वेश्चन आते हैं ना वो रिपीटेड ग्रामर से ही आते हैं, तो इसकी लोड लेने की जरूरत नहीं है कि सर इंग्लिश तो हमारे को बिल्कुल ही नहीं आती, लिखना ही नहीं आता है, कि सर इसका हिंदी में पेपर दे सकते हैं क्या, इंग्लिश का तो इंग्लिश में ही लगता है और आसानी से दे सकते हो। वैसे नहीं कि लोड मत लेना कि सर ये तो मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, बहुत आसान भाषा में आपको समझा दिया जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट अपने सब्जेक्ट है साथियों एग्रोनॉमी। कौन सी है, एग्रोनॉमी सब्जेक्ट है, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। सबसे ज्यादा OGP में अपना अपना योगदान देगी, और बात करें तो कितने क्रेडिट की है, 4 क्रेडिट की है, 3+1 की। इसके साथ में ही बात करें इसमें टोटल कितने है, 46 है, 46 है, कि सर इनका कंप्लीट हम सिलेबस भी देखना चाहते हैं। इसकी PDF तो आपको मिल जाएगी, भी मैं बता दूंगा कहां पर अवेलेबल होगी, पर आप अगर चाहते हो कि इसकी कंप्लीट एनालिसिस चाहिए तो आप जिस प्लेलिस्ट में ये वीडियो देख रहे हो, जिस प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख रहे हो उसी प्लेलिस्ट में आपको क्या हो जाएगी, एग्रोनॉमी का सिलेबस एनालिसिस टॉपिक फर्स्ट की वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, तो वहां से आप देख सकते हो, एग्रोनॉमी है। इसके बाद में बात करें अगर आप BSc एग्रीकल्चर में किसी भी नई कॉलेज में या ऐसी कॉलेज में एडमिशन लियो जहां पर आपको समझ में वगैरह नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, BSc एग्रीकल्चर की सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, अपने एप्लीकेशन पर है। अपना ब्राइट एग्रो क्लासेस का क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना, उसकी लिंक के लिए आप इन नंबरों पर क्या कर देना, आपके कॉलेज का नाम लिखकर, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ना इन नंबरों पर आपको क्या करना है, आपका नाम, कॉलेज का नाम, और फर्स्ट ईयर में तो हो ही, तो वो आपको क्या करना है, मैसेज करना है, सही। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर देखें तो नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सी है अपनी, देखो बायोलॉजी है। तो जिनके 12th क्लास में बायोलॉजी थी, जिनके 12th क्लास में बायो थी ना, उनको क्या नहीं पढ़नी है, बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं पढ़नी है। जिनके 12th क्लास में बायोलॉजी थी उनको बायोलॉजी नहीं पढ़नी, और टाइटल की बात करें तो फंडामेंटल्स इंट्रोडक्टरी टू बायोलॉजी, 2 क्रेडिट की है सब्जेक्ट है। जिनके 12th में बायोलॉजी थी उनको नहीं पढ़नी, और सभी को ये पढ़नी है SKN यूनिवर्सिटी में। इसके साथ में ही मैथमेटिक्स की बात करें, SKN के अंडर सभी को पढ़नी होती है मैथमेटिक्स, सभी को पढ़नी होती है। जिनके 12th में मैथ थी उनको नहीं पढ़नी होती है, बाकी सभी को क्या पढ़नी होती है, मैथ पढ़नी होती है, 2 क्रेडिट की सब्जेक्ट है। इसके साथ में ही आगे की ओर बात करें तो साथियों ब्राइट एग्रो 4845 के नाम से अपना इंस्टाग्राम है। जो भी साथी फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट सेमेस्टर का इंस्टाग्राम चलाता है तो जल्दी से कमेंट कर देना, इस वीडियो का दमखम दिखा देना कि सर हम SKN जॉबनेर से हैं, और फॉलो करके मैसेज करना है कि सर SKN जॉबनेर से, ये मेरा स्टूडेंट नेम है। और साथियों आपके 4th ईयर तक सारी क्लासेस वगैरह कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, तो इस इंस्टाग्राम अकाउंट को ज्वाइन करना मत भूलना, फॉलो करके मैसेज करना है कि सर SKN यूनिवर्सिटी से हैं और ये नाम है। तो देखते हैं देखिए कौन कौन स्टूडेंट आता है, मैं ही इसको ज्वाइन करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि कौन कौन जुड़ने वाले हैं। सभी मैसेज करना, देखे कौन कौन मैसेज करता है, कौन कौन नहीं करता है, सही। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, आगे अपने हैं
या मैथमेटिक्स का सिलेबस आ गया, इसके बाद में एग्रीकल्चर हेरिटेज। क्या है? एग्रीकल्चर हेरिटेज मतलब जिनके ट्वेल्थ में बायोलॉजी सब्जेक्ट था, जिनके ट्वेल्थ में बायोलॉजी सब्जेक्ट था उनको एजीएचआर एग्रीकल्चर हेरिटेज का क्या देना है? एग्जाम देना है। एग्रीकल्चर हेरिटेज का कौन एग्जाम देगा? जिनके ट्वेल्थ में बायोलॉजी सब्जेक्ट थी, क्योंकि उन्होंने बायोलॉजी का पेपर नहीं दिया तो वो उसकी जगह क्या देंगे? एग्रीकल्चर हेरिटेज का पेपर देंगे। इसके साथ में ही आगे की ओर बात करें तो एक्सकॉम एक्सटेंशन रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसका किसको देना है साथियों? इसका सभी को पेपर देना है और 2 credit के सब्जेक्ट है। इसमें क्या नहीं है? प्रैक्टिकल नहीं है। इसके साथ में मैथमेटिक्स में भी प्रैक्टिकल नहीं है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो अगर आपको ओनली मैथमेटिक्स की क्लासेस लेनी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी वगैरह में भी समझ में नहीं आती है, तो ओनली अगर आपको मैथमेटिक्स की क्लासेस लेनी है तो मात्र 349 में आपको कंप्लीट क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं साथियों ह्यूमन वैल्यू, लास्ट अपनी सब्जेक्ट है ह्यूमन वैल्यू, और 1 credit है, प्रैक्टिकल इसमें नहीं है। एक मैथ में नहीं है, एक एक्सकॉम में नहीं है, एक अपने ह्यूमन वैल्यू में नहीं है। इसके साथ में ही कि सर इस सब्जेक्ट को हम अभी से पढ़ने लग जाएगा? नहीं साथियों, ये पर्यावरण अध्ययन की तरह है कि इस सब्जेक्ट का क्या होगा, एग्जाम तो लगेगा पर इसके जो नंबर है ओजीपी में इंक्लूड नहीं होंगे, मतलब पासिंग मार्क्स आपको चाहिए इसमें, और वो आसानी से आ जाते हैं अगर आप एक्सकॉम को अच्छे से पढ़ लेते हो तो, और एक दिन दो दिन पहले इसको पढ़ लेना, ऐसा कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो एसकेएन यूनिवर्सिटी के जो साथी थे उनकी जो वीडियो है, जो सिलेबस है वो समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये कंप्लीट आपका सिलेबस है, किसी भी विषय से हो सारी चीजें पढ़ने क्या कर दी, क्लियर कर दी। और भी अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट करना है। इसके साथ में ही जो भी एसकेएन यूनिवर्सिटी के साथी है वो इंस्टाग्राम पर क्या लिखकर मैसेज करेंगे, हाई लिखकर मैसेज करेंगे कि सर मैं एसकेएन यूनिवर्सिटी से, ये मेरा नाम है। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।